हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन यह सरकार पहले गियर पर चल रही है। अब सरकार का अंतिम साल है और सरकार को गियर बदलकर हैवी गियर लगाकर गाड़ी चलानी चाहिए। यह बात हिमाचल परिवहन सेवा निवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के कार्यकारी अध्यक्ष ब्रिजलाल ठाकुर ने कही। वे यहां हिमाचल परिवहन सेवा निवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। उनके साथ इस प्रदेश उपाध्यक्ष बेलीराम, मंडी कुल्लू केलांग अध्यक्ष एवं सेट एडिशनल सचिव सुरेंद्र सूद सहित प्रदेश के जिलों के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि सरकार हमारी मांगें मानती है तो कल्याण मंच शिमला जाकर सरकार का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करेगी। उन्होंने कहा कि हमें जयराम सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं और सरकार को छठे वेतन की सिफारिशें शीघ्र जारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज जिला कुल्लू का कार्यकारिणी का गठन के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पूरे कुल्लू से केलांग से लोग एकत्रित हुए हैं और इस मौके पर हमने प्रदेश सरकार से मांग की है कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भाजपा की लोकप्रिय सरकार है, प्रदेश में भाजपा की लोकप्रिय सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। लंबे समय से जो हमारे भुगतान है उनकी आप घोषणा करें और जो निगम निरंतर अरबों रुपए के घाटे में है और निगम के कर्मचारियों की स्थायी समस्या का समाधान करने के लिए आप उक्त निगम का विलय 2074 की तरह एसटीएम में कर दें, या माननीय मुख्यमंत्री जी आप इस निगम को कि जो 2074 की अधिसूचना उसको रद्द करके आप हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार यात्री परिवहन विभाग का गठन कर दें, तभी जितनी भी समस्या उसका स्थायी समाधान हो जाएगा। हमारी मांग है आदरणीय मुख्यमंत्री जी, चुनाव का बरस है, अंतिम 4-5 महीने रह गए हैं, आप जो डबल इंजन की सरकार है इसका गियर बदल दें। आप अब टॉप गियर में सरकार को चलाएं और कर्मचारियों की जितनी भी समस्या है समय रहते उनकी घोषणा करें। हमारे निगम के कर्मचारियों को भी राज्य सरकार की भांति उनकी तर्ज पर एक समान रूप से छठे वेतनमान की जो सिफारिशें हैं उनको आप एक सप्ताह के भीतर आप घोषणा करें। जैसे ही आप घोषणा करेंगे प्रदेश सरकार घोषणा करेगी, हम सरकार के निर्णय का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और सचिवालय की तरफ ढोल नगाड़ों के साथ सचिवालय की तरफ कूच करेंगे।